किसी का हक के लिए लड़ेगा और कुछ लोग इंजॉय करेगा उसका पल को बाद में तोड़ के कहेगा, कुछ लोग और कुछ लोग चुपचाप बैठ के सोशल मीडिया में हू हा हर यूनियन को गाली देगा। हमारा एसपीसीएस गरीब होने का वजह से उन लोगों ने क्वेश्चन पेपर को बेचा है, तो और नहीं बेचने के लिए हम आम जनता लोग आगे आके कुछ एक दो रुपया दे रहा है, ठीक है। तो मैं इस रुपया का साथ में मैं एक अनुरोध करता हूँ कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर कोई भी प्रकार का बिक्री बटा में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। थैंक यू। तालियां। और ये जो है जो कंट्रोलर के लिए है, और ये उनका जो कैरियर है, जो कैरियर के लिए जो प्रिंटिंग के लिए काम करता है, ये उनके बाकी जो ये हो गया पियन हो गया जो भी है उनके लिए है, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं एसी सी एस में के लिए स्टार लोग लेंगे 10 रुपीज़, ठीक है। किसी का हक के लिए लड़ेगा और कुछ लोग इंजॉय करेगा उसका पल को बाद में तोड़ के कहेगा, कुछ लोग और कुछ लोग चुपचाप बैठ के सोशल मीडिया में हू हा हर यूनियन को गाली देगा, ये करेगा। अरे कुट्टो आगे ज़मीन पे आओ, बस सोशल मीडिया टाइप वॉरियर बनने से नहीं होगा। और जो कुछ लोग अच्छा काम करने के लिए भी कोशिश करता है उसको क्रिटिसाइज करेगा, क्या करेगा, एटलीस्ट कुट्टो सड़क पर उतरो। फाइट को दिस फाइट इज आर्स। पीपल फ्रॉम यूपी, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, बेंगलोर, दे विल नॉट कम फॉर आस टू फाइट, इट इज़ आस। हम लोग अरुणाचली है, अपना हक के लिए टू डिफेंड आर राइट, टू डिफरेंट टू प्रोटेक्ट आर राइट, वी आर सेल्फ कलेक्टिवली हैज टू टेक ए कॉल। हम लोग को खुद एक साथ एकजुट करा होके इसमें इस मुहिम जो भी होता है उसको साथ में हम लड़ना चाहिए। हम लोग जो चंद जो कॉइन्स और रुपया एक दो रुपया हम लोग जो कलेक्ट किया है कमीशन को, हम लोग ये मैसेज मेन तो हमारा ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि हम लोग का पास इतना ही, हम लोग से जो हो पाए इतना ही है तो आज के लिए। तो जॉब्स वो फ्यूचर का साथ किल्वर मत कीजिए, और इसको हम लोग कमीशन का पास अभी पहुंचाना तो चाहता है लेकिन शायद बंद है। तो थ्रू एसपी या तो फिर थ्रू एसपी सर या तो फिर हम लोग अच्छी पोतम डीसी ईटानगर का तरफ से हम लोग पहुँचाने के लिए कोशिश करेगा कि उन तक पहुंचाया जाए। तो इसमें मैसेज भी अमाउंट कम होने से भी रिसीव करो बोलेगा इसमें। हाँ वो मानते हैं कि आप लोग लाखों लाख लेने में आदत है, वो अलग बात है, लेकिन भी हम लोग जो छोटा भाई लोग से जो बहन लोग से जो एक दो रुपये है उसको भी एक्सेप्ट कर दीजिए, वही हम लोग बोलेगा। अगर ये पैसा आप लोग एक दो रुपया कलेक्ट करके दे रहे हैं, ये उन सब के लिए सैटिस्फाई रहेगा जितना भी जो पेपर लीक किया? अगर सेटिस्फाई का बात किया जाए तो एक किसी महान हम लोग का एक इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, ह्यूमन वांट्स आर नेवर सेटिस्फाइड, द मोर यू गेट द मोर यू वांट्स। सो वन चीज इज दिस विल नेवर एंड, बट रिगार्डिंग इस कम होने से भी हम लोग कोशिश तो करेगा कि कम पैसा होने से भी चलो हम लोग का तरफ से एक मैसेज है, इतना ही हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं और पहुँचा देना है, मैसेज पहुँचना है उन लोग का। इसमें जितना भी लाइक माइंडेड है जो सोचता है कि हाँ ये लड़ाई हमारा लड़ाई है, ये समाज का लड़ाई है, ये आने वाला पीढ़ी के लिए ये लड़ाई है, अपना हक को बचाने का एक लड़ाई है, जो जो सोच रहे हैं उनका एक कलेक्टिव एक ये है। हम लोग कोई एसोसिएशन ये सब का नहीं है, बस एक कलेक्टिव माइंड एक जो यूथ है जो सोचता है लाइक माइंडेड है वही आके कलेक्टिवली एक ऐसे प्रोग्राम है। माई नेम इज़ योगी आजा एंड आई एम एन एस्पायरेंट के तौर पे आया आज। डोनेशन आज ये हम लोग जो रखा गया है जो ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू रखा गया हमको ही पता चला, हम इसलिए पार्टिसिपेट करने आए। तो ये बेसिकली जो स्टेट का जो सिविल सर्विस कमीशन है उनके लिए रखा गया है, जो उनका जो डेस्परेशन है जो इलीगल वे से जो मनी अर्न करने का जो डेस्परेशन है और जो इनोसेंट एस्पायरेंट का जो लाइफ से वो लोग खेल रहे हैं उसको देखते हुए हम लोग को ये महसूस हुआ कि उन लोगों को पैसा का बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चंदा हम इकट्ठा करना है, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया करके, तो उन लोग उस तरीक़े से हम लोग पहुँचा देगा।
क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा लग रहा है, उनका एक्शंस को देख के ऐसा लग रहा है। देखो लालच तो कभी ख़त्म नहीं होता इंसान का, वो मैन का जो ग्रीड है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन इन लोगों का जो डेस्परेशन लेवल है जिसको सारा दुनिया देखा है, शायद आप लोग भी देखा होगा, मीडिया लोग भी देखा होगा, इतना डेस्परेशन है कि ये जो अभी हम लोग जो 1 रुपया 2 रुपया उतार रहे हैं ये उनको भी ये लोग लेने के लिए पीछे नहीं हटेगा, ये हम लोग का बिलीफ है। ये पब्लिक के लिए तो मैसेज यही है कि आज यहाँ पर लाइक माइंडेड लोग बहुत सारा पार्टिसिपेट किया है और ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम लोग चाहते हैं। ऐसा जब भी ऐसा जो इलीगल वे से जो काम होता है, करप्शन होता है रिक्रूटमेंट को लेकर, तो जब भी ऐसा कुछ रैली या कुछ मूवमेंट या ऑर्गेनाइज होता है, हम यही अपील करें पब्लिक को, सभी को यहाँ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये सबका लड़ाई है, समाज का लड़ाई है, किसी एक इंडिविजुअल का लड़ाई नहीं है। नौकरी सभी को चाहिए, हर घर से एक ना एक एस्पायरेंट होता ही है, तो अगर एक घर से एक भी रिप्रेजेंटेटिव आ जाए तो ये रास्ता में खड़ा करने का भी जगह नहीं होगा। लेकिन बहुत दुख का बात है, यहाँ में चंद कुछ 12-15 आदमी लोग आया हुआ है, तो पब्लिक से यही अपील है कि सब लोग आगे खुल के पार्टिसिपेट करने से और ज़्यादा बेहतर होगा, समाज जल्दी बदलेगा।